तो हे गाइस, आपका स्वागत है इंडियन पेनी में। और मैं अभी K20 Pro में पबजी खेल रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली TDM स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जो TDM में जो ग्राफिक मैंने रखा है वो है एक्सट्रीम और स्मूथ। मतलब ये टोटली ऐसा नहीं कि मैंने अपडेट नहीं किया उसे, जब से K20 Pro अपडेट पूरा अपडेटेड है। और इसके साथ गेम बूस्ट भी मिलता है, जो कि इससे मेरे को FPS पता चलता है। तो मोस्ट ऑफ द FPS 55 और 60 FPS के बीच में ही होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो TDM में बिल्कुल भी मेरे को ऐसा लैग और कुछ ऐसा लगा नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे एक गेम आप देख ही लो। The blue team has scored for the first time. स्टार्टिंग में मेरे को कुछ मारने नहीं हो रहा था, क्या पता क्यों, बट बाद में मैंने कोशिश किया तो एक किल मिला मेरे को। तो मैंने पांच मतलब पूरे टीम में चार किल कर दिए थे, तो और मैं दो किल करके बैठा था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे करके थोड़ा अच्छा खेलता हूँ। मतलब मैं इतना ही अच्छा नहीं खेलता हूँ, मैं ऐसा प्रो प्लेयर नहीं हूँ। मैं काइंड ऑफ नूब भी नहीं बोल सकता, मतलब खुद को एवरेज बोल सकता हूँ, ठीक ठाक खेल ही लेता हूँ। और मैं थ्री फिंगर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो स्क्रीन पे ही। तो ये बंदा हो गया था ऑलमोस्ट खत्म, बट अगर ये झुक गया ना इसलिए, नहीं तो ऑलमोस्ट खत्म ही था। तो आप देख सकते हो कोई भी स्क्रीन में से कोई लैग या कुछ भी इशू नहीं आया, और टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। TDM में तो मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया, ये गेम में तो मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया, तो सही जा रहा है अब तक। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, मतलब ऐसा डिले नहीं होता है। मतलब कोई कोई फोन में जैसे अभी टाइप किया, थोड़ा टाइम लगता है उसको पिक करने के लिए या बैठने के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जंप वो सब किसी में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ। और स्मूथ एक्सट्रीम में जो FPS है उसमें अलग ही मज़ा है 60 FPS में खेलने में। क्योंकि इससे पहले ना मेरे पास ये था अपना रियलमी U1, उसमें मैं हाई सेटिंग्स में खेलता था, मतलब अराउंड मेरे हिसाब से 30 FPS में खेलता था। तो उससे डायरेक्ट 60 FPS में आना, मतलब ड्रास्टिकल चेंज आया। तो एवरी थिंग जस्ट कितना स्मूथ लग रहा था, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया मेरे को खेलने में। ईजीली मैं मार रहा था, वो लोग भी बंदे ऐसे नहीं थे कि नूब थे, वो लोग भी अच्छे खासे ही मार रहे थे। Killing spree for the blue team. तीसरा आ गया, नहीं तो ऑलमोस्ट खत्म नहीं था। और ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो है MI के इनबिल्ट जो रिकॉर्डर होता है ना, उसे मैं कर रहा हूँ। कोई थर्ड पार्टी रिकॉर्डर यूज़ नहीं किया, कि वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्ड भी होता है, बस इतना ही कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता है। ये वॉइस में क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड में वॉइस में अलग से दे रहा हूँ। ये गेम हो चुका है, उस पर मैं वॉइस डाल रहा हूँ वैसा। उसमें सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड होता है और उसका साउंड रिकॉर्ड होता है, स्क्रीन का वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता, फिर भी अच्छा ही है। और ऐसा रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी कोई लैग नहीं आ रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है प्लस गेमिंग हो रहा है,
तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया बीच में, और हीटिंग का भी कोई इशू नहीं आया मेरे को। टीडीएम में एक पूरा मैच भी खेला, तीन मैच भी मैंने खेल लिया है। मेरे को ऐसा स्क्रीन पे कोई ऐसा एकदम मेजर हीटिंग ऐसा कुछ नहीं लगा, हल्का सा थोड़ा सा वार्म हुआ मैं बोल सकता हूँ, हीट भी नहीं हुआ था, ये तो वार्म हो गया था, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो जो लोग बोलते रहेंगे शायद वो अपडेट के पहले थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, बट मेरे को तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नज़र नहीं आया। TDM में स्पेशली ऐसा कोई भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, माइनर टच इशू है बट बहुत बहुत कम, मतलब 100 में से 99 तो अच्छे से आता है, खाली 1% का भी प्रॉब्लम दे सकता है टच इशू में, मतलब कभी कभी दबेगा नहीं, कभी कभी मतलब समझो ना 100 में से एक टाइम नहीं दबेगा, तो मतलब वो रेशो में तो काफ़ी अच्छे से ही गया TDM में। और इससे पहले मैंने और एक गेम खेला था, तो उसमें तो मैंने काफ़ी अच्छे से मारा था, आप देख सकते हो 30 किल्स मारा था। वो एक्चुअली मेरे जो साथ थे वो भी मतलब इतना अच्छे से नहीं खेल रहे थे, तो इसके बाद मैंने क्लासिक मैच भी खेला, तो मैं डायरेक्टली जब भी सामने मेरे एनिमीज आ जाते वो पोजिशन में लेके आपको बताता हूँ। अभी डायरेक्टली इसने कार इधर ही ठोक दिया, अगर हम लोग उधर रुकते थे उतने में ख़त्म हो जाते, बट वो सामने वाला कार भी रुका नहीं, वो आगे चला गया, वो हम लोग को पता था कि वापस पीछे आएगा। नंबर 4 ने काफ़ी अच्छा काम किया कि स्मोक डाल के, कि उसको भी पता नहीं चले कि हम लोग है किधर। तो उतने टाइम में मैंने सोचा कि चलो बिल्डिंग में आके थोड़ा सेफ होके गोली मार सकते हैं, नहीं तो ऐसा नीचे साइड ही रह जाएंगे तो फिर वो कोई भी इजीली किल कर सकता है। तो मैंने देखा कि वो आ रहे आ रहे, एक गाड़ी दिखी मेरे को, फटा समझ गया मैं आ रहे, तो फटाफट मैं पहले बात तो एक ड्राइवर को मार दिया ना, तो गाड़ी रुक गई उधर ही, और उसके बाद सब ख़त्म, मेरे को 3 किल तो ऐसे ही मिल गए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी लैग नहीं हुआ, ये आ गए तो भी ऐसा कुछ भी ऐसा लैग या कुछ भी रुका हुआ ऐसा कुछ नहीं। हाँ बट कभी कभार ऐसा हो जाता है, बट ये मेरे हिसाब से पबजी का प्रॉब्लम है। कभी कैसा हो जाता है, जब भी आपके नज़दीक में एनिमी होता है ना तो फ़ोन लैग होता है, मतलब हल्का सा वो एक बोलते हैं ना फ्रेम ड्रॉप होता ही है, बट मेरे हिसाब से वो पबजी का प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े से बड़े फ़ोन में भी लैग होता है, उससे पता चलता है कि यार आजू बाजू एनिमी है। सो यही है, और थोड़ा सा ये ऐसा कभी हीटेड सिचुएशन रहता है ना, तो थोड़ा सा ना जब भी मैं बटन दबाऊँगा ना तो इतना बड़ा डिले नहीं होता, बट हल्का सा ऐसा फील होता है कि डिले हो रहा है। कभी कभी ऐसा टच रिस्पांस नहीं करता कभी कभार, तो अगर समझो आप कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो कि आपको बिल्कुल भी मिस्टेक्स या बिल्कुल भी एरर नहीं चाहिए, तो K20 Pro शायद से आपके लिए नहीं है, बट आप मज़े के लिए खेल रहे हो और बाकी सब चीज़ आपको चाहिए, लाइक कैमरा भी अच्छा, अगर आप गूगल कैमरा डालते हो, और बाकी स्पीड तो मतलब ज़बरदस्त है, मतलब स्मूद एकदम फ़ोन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, और गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और इतने टाइम में मेरे को सामने से और कोई तो मार रहा था, तो मैं रुका थोड़ा, उतने में मेरे सब के सब मर गए, सिर्फ अकेला रह गया। और एक्चुअली 2 जन थे, एक उधर से मार रहा था और एक DP से मार रहा था। तो मैं थोड़ी देर वेट किया कि कोई ना कोई दिख ही जाएगा मेरे को, तो मेरे को पता चला, और सबसे और क्या पता सडनली वो एक्चुअली मेरे के हिसाब से पबजी का ग्लिच है, कि मैं स्कोप ऑन कर रहा हूँ तो मेरे को ये आ रहा ही नहीं है, वो जो 6x को 3x में कन्वर्ट करते, तो मैं सोचा चलो अभी क्या कर सकते, 6x से ही खेलते। तो उतने में मेरे को एक जो ट्री के पीछे एक बंदा दिखा, तो मैं वेट किया और वो DP से मार रहा था, उतने में M416 हर एक गोली इसको पड़ गई और वो नॉक हो गया, और मेरे को पता था कि शायद उसके पार्टनर रिवाइव मतलब रिवाइव करने आएगा, या खुद वो मतलब नॉक हो के पहुँच उधर अपने पार्टनर के पास पहुँचेगा, तो मैं देखा कि वो पार्टनर के पास ही जा रहा था अपने नॉक हो के, तो ख़त्म ही कर दिया। अभी एक्चुअली टाइम बहुत कम था और जोन में जाना था, तो मैं सोचा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और जोन में चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं इतना लड़ा, कुछ भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आया, आप रिकॉर्डिंग में पूरा क्लियर देख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, थोड़ा सा टच डिले हो जाता है, बट यार मेरे हिसाब से अगर आप स्ट्रीमर हो, आपको बिल्कुल भी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो K20 Pro शायद से थोड़ा सा, आप स्ट्रीमर भी हो तो आप मतलब ले सकते हो K20 Pro, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो
लाइक कॉम्पिटिशन वो सब, तो शायद से प्रॉब्लम दे सकता है, बट इतना नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब 99% परफेक्ट चलता है, 1% हल्का सा एरर आ सकता है बस। अपडेट के बाद काफ़ी अच्छा हुआ है, मैंने सुना भी है और मैंने अभी खुद एक्सपीरियंस भी किया है, तो सही है गाइस। तो आप बिल्कुल जा सकते हो, अंडर 30,000 में K20 Pro इज़ द बेस्ट। हाँ, रियलमी एक्स 2 प्रो भी है, बट उसका जो नॉच है ना, वो नॉच मेरे को एक्चुअली पसंद नहीं है। अगर एक्स 2 प्रो से अच्छा तो वन प्लस 70 है, और वन प्लस 70 से ज़्यादा बेटर आपको लेना रहेगा तो ऑफकोर्स आप ROG 2 में जा सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा और आपको 13,000 या 12,000 तो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। अगर आपको बजट 25 या तक लिमिट है, या 30 भी लिमिट है, तो K20 Pro इज़ द बेस्ट। अगर आप बढ़ा सकते हो तो वन प्लस 70, नहीं तो रोक ROG 2 बेस्ट। सो यही है गाइस, बाकी सब तो बेस्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं HDR में एकदम हाई टू हाई लेवल में भी TDM खेला, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आया, जो आप सामने देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम है, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह। तो यही है गाइस, अगर आप पहली बार आओ मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और साइड में बेल आइकॉन है वो भी दबा दो, क्यों नए वीडियोस आएंगे तो ऐसे लेके आता हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, और क्या क्वेश्चन है वो भी बताना, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू। Great! You're about to win! The blue team is about to win! Reloading! Blue team victory!